नमस्कार, साची बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा यादव और यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा के दौरान कहा कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 10-10 घंटे के पावर कट लगेंगे। सपा नेता अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ठग ने महाठग कोई ठग लिया। देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे जो 11 नवंबर को पद संभालेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला का बीजेपी नेताओं से मिलने का दौर जारी है। उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी से मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। अमरावती ड्रोन समिट 2024 के तहत 5,500 ड्रोन से ड्रोन शो हुआ जिसका अद्भुत नजारा देखने को मिला। देवघर में पप्पू यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि तुम्हारी गुंडागर्दी झारखंड में नहीं चलने देंगे। दिवाली को लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो गई है जो 31 तारीख को मनाई जाएगी। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का तारीख में बदलाव किया गया है। बता दें अब यह 5 दिसंबर को रिलीज होगी। गाजा के स्कूल में इसराइल ने हवाई हमला किया जिसमें 11 महीने के बच्चे समेत 17 लोगों की मौत हो गई। तो आज के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साची बात। धन्यवाद।